जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि माला जाप करना चाहिए या फिर बिना माला के आप करमाला कीजिए या दूसरे माध्यमों से बस ऐसे ही बिना किसी गिनती के और इसी प्रकार से साधारण जाप कर सकते हैं, तो इनका क्या लाभ है और क्या अंतर होता है कि माला से जाप करें या बिना माला के कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें उद्देश्य दो होते हैं। एक उद्देश्य तो ये होता है जो दो तरीकों से पूरा किया जाता है, वो होता है अपने इष्ट भगवान की भक्ति करना। जब आप अपने इष्ट भगवान की भक्ति के लिए जाप करते हो तो चाहे आप माला से करो चाहे बिना माला के करो, वो दोनों स्वीकार है, दोनों का लाभ एक जैसा बनता है। जब आप सिर्फ और सिर्फ इष्ट भगवान के लिए जाप करते हैं तब, लेकिन जब आप अपना तपोबल बढ़ाने के लिए जाप करते हो, आपने कई बार देखा होगा, कई कथाओं में आपने ये चीजें सुनी होंगी कि साधक जो होता है वो मंत्र जाप करना शुरू करता है, तो मंत्र जाप की जब संख्या बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, तो इंद्र का आसन भी डोलने लगता है, ब्रह्मांड में ऊर्जा जाने लगती है। तो वो तभी होता है जब आप माला से जाप करते हैं। माला से किया हुआ जाप जो रहता है वो साधक के साथ जाता है, जब वो ये शरीर त्याग कर आगे की यात्रा शुरू करता है तो माला से किया हुआ जो जाप होता है उसका तपोबल साधक के साथ जाता है। उस समय उसकी जो ऊर्जा होती है वो माला जाप की वजह से बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बिना माला से जो जाप किया जाता है ये जीवात्मा से संबंध नहीं रखता। बिना माला के जो जाप होता है वो भजन कीर्तन जैसा होता है, जो आपको मोक्ष दिलाने में आपकी सहायता करता है, आपके इष्ट भगवान की भक्ति में उसकी गिनती होती है। तो साधनाएं जो होती हैं, कुछ दिनों की जो साधना हम संकल्प लेते हैं, 21 दिन का, 11 दिन का या अन्य जो दिन होते हैं, जैसे अलग अलग साधनाओं के दिन अलग अलग संख्या होती है, 1 दिन की साधना होती है, तो उसमें माला से जाप करना चाहिए, जिससे कि संकल्प आपका एक पूरा हो कि भाई आपने संकल्प लिया है इतने माला जाप का, इतने दिनों में आप पूरा करेंगे, तो उसका लाभ फिर उसी प्रकार से मिलता है। तो माला जाप का लाभ अलग है तपोबल बढ़ाने के लिए, कोई अनुष्ठान पूरा करने के लिए माला जाप बहुत जरूरी होती है, और माला जाप से हर जाप से जब गिनती से चलती है जब माला, तो हर जाप के साथ आपके कुछ जो ऐसे पाप होते हैं जो माला जाप से भस्म होते जाते हैं उनका भी कमी होती जाती है, वो पाप भी कटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर आध्यात्मिक कार्य से कोई ना कोई पाप आपका नष्ट होता है, तो माला से जाप करने में ये लाभ होता है। इसीलिए माला से जाप करवाया जाता है साधकों को कि आप माला से जाप कीजिए। अब जिनकी अवस्था वैसी नहीं रहती है, मान लो कि आपकी अवस्था 60-65 के ऊपर आप जा चुके हैं, अब माला पकड़ नहीं पा रहे हैं आप, क्योंकि आज के समय में यही है, 65 के बाद ही हालत गड़बड़ होने लगती है लोगों की, तो जब आप माला ना पकड़ पाए तो उस समय फिर आप बिना माला के आप भजन कीर्तन में ज्यादा समय बीतता है फिर अधिक आयु होने पर। पर जब तक माला आप संभाल सकते हैं, हाथ में आप जाप कर सकते हैं, तब तक माला से जाप करना चाहिए। तो ये जानकारी माला से जाप करने पर और बिना माला के जाप करने पर कि माला जाप करने से ज्यादा लाभ है या बिना माला से, तो लाभ दोनों से ही है। बस एक साधना अनुष्ठान जब करना हो आपको, जब आपको ब्रह्मांडी ऊर्जा से खुद को जोड़ना हो, कुंडलिनी शक्ति जागरण करना हो, जब आपको दिव्य दृष्टि आज्ञा चक्र जागृत करना हो, तो फिर माला से जाप करना बहुत सही रहता है। और जब आपको सिर्फ भक्ति कर रहे हो आप कि भाई मैं तो सिर्फ आधा घंटा बैठ के और भगवान का स्मरण करूंगा, तो आप बिना माला से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लाभ दोनों के प्राप्त होते ही है। ये थी जानकारी माला जाप के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।